इट्स बर्थडे मॉर्निंग, सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. सो मुझे पता नहीं, बट मेरा बर्थडे का मेरे को एक्साइटमेंट बहुत पहले से ही रहता है. सो ये तो शुरू हो जाता है 1 मंथ से ही. सो आई एम सो हैप्पी. कल रात के 12 बजे से सब फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इतने सारे मैसेजेस. थैंक यू एवरी वन फॉर योर लवली विशेज. एज यूजुअल प्रयान ने हमको सुबह सुबह उठा दिया. रात को हम लोग देर से सोए थे, हम लोग मूवी देख के बहुत देर हो गया था, बट प्रयान ने तो उठा दिया. एंड सो हैप्पी कि प्रयान ने सुबह सुबह मुझे विश किया एंड ही गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी. मैं दिखाती हूँ आपको सरप्राइज. ओके, सो वी हैव कम हियर टू दिस मार्ट टू टेक सम ग्रोसरीज एंड ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम चीकू टू हिज मामा. चीकू इज हियर, से हाय. ओके, सो चीकू हैज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड वन गिफ्ट फॉर मामा. ओके, व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय फॉर मामा? Maybe some chocolates you want to buy? Mama likes chocolates. Okay, let's buy this dairy milk for Mama. See this one here. Can you pick that one? Yes, take that. Hey, okay. Mommy is in here. Mommy. Yes, happy birthday, Mama. Thank you. Can you open it? Wow. What is it, Mama? Happy birthday. Daddy. Thank yes. you, Chico. That's a mama bear and baby bear. Can you show it here to me? See? Thank you so much, Chico. This is so nice. आज का तो मुझे कुछ प्लान पता नहीं है. प्रभु has said कि रेडी हो जाओ, हम लोग लंच के लिए बाहर जाएंगे. तो जैसे जैसे मुझे सरप्राइज मिलते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी. सो हम लोग सब रेडी हो गए हैं एंड जैसे बताया था कि सरप्राइज प्लान किया है चीकू एंड प्रभु ने, तो लेट्स सी कहाँ लेके जा रहे हैं. अभी तो बता दो कहाँ लेके जा रहे हो. सरप्राइज, वेयर आर वी गोइंग चीकू? ईटिंग ब्रेकफास्ट और ईटिंग लंच? बट विच प्लेस आर वी गोइंग? दोनों बताने को तैयार नहीं है. इट्स अ पिज्जा शॉप. विल गो एंड ईट सम पिज्जा And cake. Okay. तो बस ये बोला है कि मेरा फेवरेट प्लेस है, तो मैं कुछ कुछ तो गेस कर रही हूँ, बट लेट्स सी. GPS में 15 minutes है, so you can guess. अरे रुको, मैं GPS में देख के बताती हूँ. देखना नहीं है, just 15 minutes की दूरी पे है, so guess. 15 minutes और ये road same है. And जैसे ही बोला है कि मेरा फेवरेट प्लेस है, तो I hope कि मतलब आई गेस कि ए बी हो सकता है, क्योंकि उधर मुझे हर हफ्ते भी लेके जाएंगे तो मैं मना नहीं करूंगी. सो इज इट ए बी? यस, इट्स ए बी. वरना अभी तक कुछ तो रिप्लाई आ गया होता था. तो हम लोग जा रहे हैं ए बी. अभी हम जाएंगे, खाएंगे पियेंगे और उसके बाद में मिलते हैं. उसके बाद का भी कुछ प्लान है या बस आज का दिन खत्म? सब कुछ लेट यू नो. अच्छा, लास्ट ईयर क्या किया था बर्थडे में? लास्ट ईयर वी वर ड्राइविंग. यस, लास्ट ईयर बर्थडे में हम लोग दांडेली के लिए ड्राइव करके गए थे. और उससे पहले देखो कैसे कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है. लास्ट ईयर थाईलैंड में बर्थडे हुआ, फिर उसके बाद लास्ट ईयर दांडेली में बर्थडे किया, और अभी हम लोग है ना घर के आसपास ही 15 मिनट की दूरी में घूम रहे. और नेक्स्ट ईयर क्या है, घर के अंदर ही. क्या करें, पेंडेमिक. यस, पेंडेमिक ने सारा प्लान खराब कर दिया. चलो इट्स ओके, फिर भी हम एवीज जा रहे हैं तो आई एम हैप्पी. खाएंगे पियेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे. बाय बाय. मैंने बोला था ना इट्स एवीज, सो वी आर इन द एवीज. एंड चीकू ने तो स्टार्ट भी कर लिया अपना फेवरेट डिशेज खाना.
में आ गए हैं लंच करके। एज़ यूजुअल एबीस का खाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत थक गई हूँ। एंड अभी इट्स 3:45, मैं अभी रूम के अंदर बंद हूँ अकेले। देखो कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं है। तो प्रभु एंड जी को बोल के गए हैं कि रूम से बाहर नहीं आना है, एक और सरप्राइज़ प्लान किया गया है, तो मुझे रूम में ही रहना जब तक मुझे फ़ोन नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ। 1 आवर हो गया है, आई एम स्टिल वेटिंग इन द रूम। अभी मैंने फ़ोन किया तो बोला कि और 15-20 मिनट्स वेट करना है एंड उसके बाद लेट्स सी क्या सरप्राइज है। फाइनली बुलाया मेरे को ऊपर टेरेस पे, लेट्स गो एंड चेक व्हाट्स इट। यस, हेलो, सरप्राइज, सरप्राइज फॉर मम्मा। ठीक है, सरप्राइज फॉर मम्मा, सरप्राइज। Thank you so much. Who did all these things? Hey, this is so nice. Music bhi chal raha hai. Chiku, who did all this decoration? Chiku, help Dada. It's okay. Oh, it's okay. So this is the surprise. इसके लिए मेरे को 1.5 hours wait कराया। And ये सब खुद किया है या किसी को बाहर से बुलाया? बिल्कुल, मैंने और चीकू ने मिलके किया है। हाँ, चीकू ने किया है तो मान सकती हूँ। Happy birthday to you. आज का सरप्राइज लगता है खत्म होने वाला नहीं है। इज दिस द लास्ट सरप्राइज और है? वेट एंड वॉच। सुबह से बस वेट करा रहे हैं, बट आई एम एंजॉयिंग इट। एंड अभी 8:30 हो चुका है, हमने चीकू को सुला दिया है क्योंकि उसका जनरली 8:00 सोने का टाइम होता है। सोने के बाद मुझे लगा अब कुछ नहीं है, विल जस्ट डू डिनर एंड सो जाएंगे। बट चीकू को सुला के आके देखा तो दिस इज द वन मोर सेटअप कैंडल लाइट डिनर इन आर टेरेस। सो अगेन थैंक यू सो मच। सो अभी हम कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करने वाले हैं। सी यू ऑल लेटर। दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। बर्थडे का दिन बहुत अच्छा था, मॉर्निंग उठने से लेके इवनिंग नाइट तक सिर्फ सरप्राइज। एंड सुबह स्टार्ट हुआ था सरप्राइज जब चीकू मेरे लिए ये गिफ्ट लाया था, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। एंड बेबी बेयर ने मम्मा बेयर को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो कल प्रभु एंड चीकू मुझे छोड़ के गए थे आधे एक घंटे के लिए बाहर, तो मैं सोच रही थी कहाँ गए हैं ये लोग, तो मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। एंड प्रभु ने बताया कि ये चीकू ने खुद सेलेक्ट किया, देखा होगा आगे वीडियो में। तो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर। फिर उसके बाद लंच के लिए हम लोग बाहर गए, फिर घर आए, मुझे लगा अब सरप्राइज़ ख़त्म, बट नहीं, फिर इवनिंग में सरप्राइज़, ऊपर टेरेस में कैंडल लाइट डिनर। तो इट वॉज़ ऑल गुड। जनरली हम लोग बर्थडे में, मेरे बर्थडे में ट्रैवल करते हैं, बट इस साल नहीं कर पाए, बट बिल्कुल भी फील नहीं हुआ क्योंकि सुबह से शाम तक इट वॉज सो गुड। एंड मॉर्निंग से सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत अच्छा लगा, सबका मैसेजेस मिला। तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर मेकिंग माई डे। थैंक यू वंस अगैन एवरी वन। बाय बाय।